पन्ना जिले के शाहनगर थाना में पूर्व को दिनांक को अवैध शराब बिक्री के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन पर शाहनगर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अवैध शराब परिवहन करते एक 19 वर्षीय गोविंद चौधरी पिता लखन चौधरी निवासी पवई को पिकअप गाड़ी क्रमांक MP20GB2693 सहित 20 पेटी अवैध गोवा अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई। संवाददाता शाहनगर हरिशंकर बेन। एक पिकअप में शराब भर करके अवैध रूप से बवई की ओर जा रही है, जिसको अपने थाना स्टाफ को साथ में ले करके रवाना हुआ था और एक तेज रफ्तार से भागती हुई पिकअप का पीछा किया, जो टिकरिया गांव के पास तालाब की मेड़ में ले जा करके खड़ा करके भागने लगा था, जिसे घेराबंदी किए, उस आदमी को पकड़े। नाम पूछे तो अपना नाम गोविंद चौधरी पिता लखन चौधरी निवासी बड़ी पवई का बताया था। पिकअप का नंबर MP20GB2693। पिकअप की तलाशी लिए तो पिकअप के अंदर 20 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब, जो लगभग 180 लीटर थी, कुल 1000 क्वार्टर, कीमती 1,10,000 की थी। उसके ऊपर बारदाना और ड्रम, खाली ड्रम प्लास्टिक के पड़े हुए थे, तो उसको जब्ती करके पिकअप सहित और 20 पेटी अवैध गोवा अंग्रेजी शराब को जब्त करके और पिकअप सहित कब्जे पुलिस लिया गया है और आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा करके कार्रवाई की जा रही है। आपके थाना प्रभारी रहते हुए अभी तक कितनी कार्रवाई हुई शराब की? अवैध शराब की अभी जनवरी से लेकर के और अभी तक की जो 2 महीने की कार्रवाई है, हमने कुल 38 प्रकरण जो है पकड़े हैं और उनपे 38 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है, जिसमें लगभग 400 लीटर अवैध शराब जब्ती की गई है। सर, कहाँ जा रही थी शराब, किसके यहाँ जा रही थी? ये अभी पूछताछ पे इसने, जो गोविंद चौधरी है जिसको गिरफ्तार किए हैं, उसने बताया कि पवई का कोई चैतू नाम का आदमी है और वो जो है तो शराब खड़ौला कटनी जिला में पड़ता है, वहाँ किसी जंगल से लोड करा करके वो पवई ले जा रहा था बिक्री करने के लिए। चैतू जो है तो मोटरसाइकिल में आगे आगे था, जो वो भाग गया है, अभी मिला नहीं है, उसकी गिरफ्तारी बाद में की।